इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में सारी 5 मैच की टी20 सीरीज वेस्टइंडीज की टीम आपका नाम 3-2 से कर ली है, और यह सीरीज खत्म होने के बाद में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज में दोनों भी खत्म हो गए। टीम इंडिया वेस्टइंडीज में टेस्ट मैच की सीरीज 1-0 से जरूर जीती और वनडे मैच की सीरीज भी 2-1 से आपका नाम करी, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम टी20 सीरीज 3-2 से जीत की उन सब पर पानी फेर दियो। और जय की कहावत है कि अंत भला तो सब भला, और यही बात हुई है वेस्टइंडीज से। वेस्टइंडीज की टीम 5 मैच की टी20 सीरीज जीत की आपके देश में बहुत ही बड़ा नाम कमा लियो, और वेस्टइंडीज की टीम वो टीम ने रही है जो कि आने वाले वर्ल्ड कप में एक विनर के रूप में देखी जा रही, लेकिन टीम इंडिया में अभी भी बहुत सी कमी है जिसके कारण टीम इंडिया टी20 सीरीज आ रही। तो चलो बात करते हैं वीडियो में कि कौन कौन सी कमी जिसके कारण टीम इंडिया मैच आ रही, तो वीडियो पूरा जरूर देखियो और चोखो लगे तो वीडियो लाइक भी करके जाओ। भले टीम इंडिया टेस्ट और ओडीआई सीरीज आपका नाम कर ली, लेकिन टी20 सीरीज इतनी बुरी तरीके से हार की टीम इंडिया उन सब पर पानी फेर दियो। और अगर मैं बात करा तो इस दौरा पर 3 फॉर्मेटा में कुल 9 मैच खेला गया, उन 9 मैचों में से 5 मैच टीम इंडिया और 4 मैच वेस्टइंडीज टीम आपका नाम करेंगी। तो वेस्टइंडीज की टीम का 4 मैच जितना बहुत ही बड़ा मायने रखे हैं, क्योंकि यह टीम वर्ल्ड कप 2023 में भी क्वालिफाई कौन कर सकी, तो इस टीम की हालत सबना बेरोही है, और फिर भी ऐसी टीम के सामने अगर टीम इंडिया घुटना टेक देवे तो यह बहुत ही बुरी बात है। अगर बात करें 500 टी20 के मैच के बारे में, तो टीम इंडिया पहले खेल की 20 ओवर में 166 रन बनाया, और इन 166 रन में टीम इंडिया की ओर से सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की भूमिका रही। वेस्टइंडीज टीम के लिए ब्रेंडन किंग भी बहुत चौको खेलो, और विकेट सागर निकल्स पुलन भी जीत में अहम भूमिका निभाई, और यह टी20 सीरीज 3-2 से आपका नाम कर ली। टीम इंडिया की हार को सबसे बड़ा कारण है बीसीसीआई। जी हाँ, बीसीसीआई पिछले कुछ दिनों में टीम को सिलेक्शन इस तरीके से करे जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आवे। जय की सपना बेर रहे कि 3 महीना बाद में ओडीआई वर्ल्ड कप होने जो कि इंडिया में खेल जाओगे, तो बीसीसीआई जो भी आपका मैन प्लेयर ही बार में बिठा रखे और जो भी नए खिलाड़ी बार मौको दिया जा रही है, तो नए खिलाड़ी ने मौको देने को मतलब कुनी की टाइम पे, क्योंकि 3 महीना बाद में वर्ल्ड कप है, तो जो पुराना खिलाड़ी ही और जो भी वर्ल्ड कप की टीम में खेलेगा तो उन खिलाड़ियों ने मौको देगी आपकी प्रैक्टिस कराने को मौको है। बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया टीम से कुछ सिकस गए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम आपका वर्ल्ड कप की टीम का 18 खिलाड़ी पहले अनाउंस कर दिया, और ये ही 18 खिलाड़ी अगली जो भी सीरीज होगी पे खेली, तो यह कमी बीसीसीआई की बारी कुनी हर बार का वर्ल्ड कप में हुआ है कि जब तक वर्ल्ड कप शुरुआत कुनी हुआ है तब तक टीम इंडिया का एक्सपेरिमेंट चलता रहा है, कोई भी निर्धारित टीम बना की कोई भी सीरीज कुनी खेले। और बीसीसीआई टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए हार्दिक पांड्या ने दावेदार मान ली, लेकिन अब वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 मैच में एक प्रदर्शन देख की सबकी उम्मीद टूट गई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो और चैनल भी सब्सक्राइब कर दियो।